नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे आप समोसे या कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। तो इस चटनी को मैंने किस तरीके से बनाया है तो आइए देख लेते हैं। तो ये 250 ग्राम हमने खजूर लिया है। ये देखिए, ये गीला वाला खजूर है जो आता है उसमें पन्नी में पैकेट में, तो वही वाला है ये इस तरीके से। और थोड़ी सी हमने ली है इमली। तो चलिए पहले हम इन्हें फुला देते हैं। तो हमने इस तरीके से एक कटोरा ले लिया है और उसमें हमें डाल देना है इस तरीके से इमली को। ये हमने दोनों को इस तरीके से डाल दिया है और इसमें अब भी पानी डाल करके पहले एक बार इसे हम धो लेते हैं साफ पानी से। इसे इस तरीके से चला करके अच्छे से जो हमने धोया था वो वाला पानी निकाल करके और फेंक दिया है। और अब इसमें हमें फिर से साफ पानी डाल देना है और पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है इस तरीके से ये अच्छे से डूब जाए। और इसे हमें 3-4 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देना है ढक करके। तो इसे हम इस तरीके से ढक कर रख दे रहे हैं। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से ये फूल गया है। तो इसे हमें बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये इसमें हमें मीचते नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम इस बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसको इसमें हम डाल देते हैं इस तरीके से। तो इसे हमने 4-5 घंटे फुलाया है। तो इसे हाथों से इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसे हाथों से ऐसे अच्छे से मसल मसल करके इसकी गुठली को निकाल देना है। तो ये इस तरीके से इसे हमें निकाल करके बाहर कर देना है। तो ये देखिए, हमने सारा जूस इस तरीके से निकाल लिया है और जो इसका रेशे वगैरह बचे थे तो ये इधर रख दिया है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं साइड में। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इसको इसमें हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए हाथों से ही ऐसे हो जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसे डाल देंगे। तो गुड़ की जगह आप चीनी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं गुड़ से ही बना रही हूँ और कम डाल रही हूँ क्योंकि जो खजूर होता है वो भी मीठा होता है। तो इसलिए मैं कम ही गुड़ ऐड कर रही हूँ और मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने गुड़ को भी इसमें मिला दिया और इसे अच्छे से इस तरीके से हाथों से घोल लेंगे। तो ये गुड़ भी अच्छी तरीके से घुल गया है। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब हमें उसे छानना है। तो चाहे तो आप कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, फिर इस तरीके से मेरी जैसे कढ़ाई ले लीजिए जिसमें आपको पकाना है। तो मैं इसी में पकाऊंगी। तो इसके लिए हमने यही कढ़ाई रख ली है और अब इसे हम डायरेक्ट इसको छान देते हैं इसी में। तो ये देखिए हमने इसे इस तरीके से छान लिया है और इसका जो ये बचा है तो इसे हम फेंक देंगे। तो गैस पे हमें इस तरीके से कढ़ाई को रख देना है और गैस को चालू कर देते हैं। और अब हमें इस तरीके से इसे चला लेना है। तो हमारी चटनी को पकते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं और ये इस तरीके से गाढ़ी होने लग गई है। तो अब इसमें हमें डाल देना है मसाले। तो हम इसमें डाल रहे हैं सेंधा नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो जीरा को भून करके और उसका पाउडर बना लिया है घर में ही। और बहुत ही कम डाल रहे हैं गरम मसाला, एकदम 1/2 चम्मच से भी कम है। और अब इन सबको हमें इस तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको नमक इसमें और डालना है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर थोड़ा सा सादा वाला नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक आपको ध्यान से इसमें ऐड करना है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इसे आप स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। समोसे के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ खाइए, या घर में चाट बनाइए या दही बड़ा बनाइए। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर के तैयार हुई है। तो इसे आप स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं, फ्रिज में ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।